सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। इससे पहले मैंने मैथ्स का टाइम पीस दिया था और एग्जाम में 40-45 मार्क्स का आया था, और आज फिजिक्स का देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्रोनी-पेनी मॉडल है, फिर चैप्टर टू में से डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल है, थर्ड चैप्टर में से जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट और ड्रूड मॉडल है, फिर चैप्टर फोर में से बैंड गैप बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चैप्टर फिफ्थ से सुपर कंडक्टिविटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये 7 मार्क्स में, इसमें से 2 से 3 आएगा ही आएगा एग्जाम में, और फिर 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो चैप्टर वन में फिर इलेक्ट्रॉन थियरी है, फिर ई के डायग्राम वाला है, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल इसमें आ जाते हैं, मेटल्स, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब कर लेना। चैप्टर टू में इंटरेस्टिंग एंड एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर ये आता है, या इसका डिफरेंस बताएगा, पूछेगा कि इसका डिफरेंस बताओ, ये आने के चांसेस है 3-4 मार्क्स में। फिर चैप्टर थर्ड में ट्रांजेक्शन रेट है, फर्मी लेवल गोल्ड, फर्मी गोल्ड रूल है, ये आने के चांसेस। फिर चैप्टर फोर में से है 4.4 एंड वंडर पोव मेजरमेंट्स, ये आने के चांसेस है। चैप्टर फाइव में से जोसेफसन जंक्शन एंड इस एप्लीकेशन आने के चांसेस है, और दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, ये आने के चांसेस है। और इसके बाद IMPs मतलब PYQs का लेना लास्ट 3 ईयर्स के, तो वो सबसे हेल्पफुल रहेगा, सबसे ज़्यादा PYQs हो जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए पेपर।